आज पार्टनरशिप में हम लोग डेथ ऑफ ए पार्टनर देखेंगे। हेडिंग दीजिए, पार्टनरशिप डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसमें क्या आप लोगों को पता है कितने लेजर खुलते हैं, क्या क्या लेजर खुलता है? देखिए, जनरली हम लोग जब एडमिशन बनाते हैं और रिटायरमेंट बनाते हैं तो एडमिशन और रिटायरमेंट में सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन बनाते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल बनाते हैं एंड थर्ड वन हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। बट डेथ ऑफ ए पार्टनर में जस्ट ये भी रिटायरमेंट ही हुआ। मान लीजिए अगर आप एडमिशन सीख जाते हैं तो उसका उल्टा रिटायरमेंट है। डेथ भी तो उसी तरह से है, एक लोग रिटायर किया बिजनेस से और ये पूरा ही रिटायर कर गया। वहां पर एक सर्टेन डेट हो सकता है बट डेथ का कोई डेट नहीं होता है। बुक क्लोज हुआ, एक महीना बाद, दो महीना बाद कभी भी डेथ हो सकता है। जनरली डेथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बोलता है बनाने के लिए, पार्टनर्स कैपिटल भी नहीं बोलता है बनाने के लिए, बैलेंस शीट भी नहीं बोलता है। वहां सिंपल सा आपको बोलता है कि जिस पार्टनर का डेथ हुआ है उसी का सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाओ, सिर्फ उसी का। जैसे अगर ए का डेथ हुआ तो हम लोग कौन से लेजर खोलेंगे, ए का कैपिटल अकाउंट खोलेंगे। और फिर चूंकि ए तो नहीं आ रहा है लेने के लिए तो हम लोग एक एक्सक्यूटर अकाउंट खोलते हैं, मतलब उसके अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं कहां पर, एक्सक्यूटर। और फिर हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सक्यूटर अकाउंट खोलते हैं। आया बात समझ में? तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी पार्टनर का अगर डेथ हो जाता है तो जो उसके लीगल हायर्स होंगे या उसके जो एक्सक्यूटर होंगे उसको क्या क्या मिलेगा? देखिए, आप तो जानते ही हैं कि हम फालतू में बहुत सारे चीज लिखते नहीं है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है, थ्योरी थ्योरी है। थ्योरी अभी हम लोग को बड़ा बड़ा तो आता नहीं है, वन मार्क्स और टू मार्क्स। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, सम्स कैसे बनेगा वो हम लोग को समझना है। उसके लिए मान लीजिए हम पांच पन्ना लिखा भी देंगे आपको, क्या फायदा है, सम्स बनेगा नहीं। सम्स कैसे बनेगा कि क्या पॉइंट को हमको ध्यान में रखना है कि किसी भी टाइप के सम्स हमसे सॉल्व हो जाए। जैसे यहां पर आपको डेथ में आपको तुरंत दिमाग में उठाना है कि अगर किसी पार्टनर का डेथ होता है तो उसके एक्सक्यूटर को क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले कैपिटल मिलेगा, उसके एक्सक्यूटर आएंगे या उसके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, वो बोलेंगे कि अगर ए का डेथ हो गया है तो उसका कैपिटल दो, कैपिटल मिलेगा पहला। दूसरा, आप जानते हैं बैलेंस शीट में जो रिजर्व है प्रोपोर्शनेट रिजर्व मिलेगा, रिजर्व में शेयर मिलेगा। तो जैसे आप मान लीजिए एडमिशन बनाते हैं या फिर आप रिटायरमेंट बनाते हैं तो हम आपको क्या बोलते हैं कि तीन बातों का ख्याल रखिएगा एडमिशन में। एडमिशन में हम बताए हैं आपको, एडमिशन का वीडियो देखेंगे या एडमिशन का क्लास तो आप किए हैं। जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पुराना जो बैलेंस शीट है वहां से कैपिटल लेते हैं, रिजर्व लेते हैं, पहला बात। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस को लेते हैं। एंड थर्ड वन हम बताए थे कि अगर एडमिशन है तो एक नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आ रहा है वहां पर बाई कैश या बैंक लिखेंगे, और अगर गुडविल लेकर आ रहा है तो सैक्रिफाइस रेशियो से, जिसके लिए आप क्लास कर चुके हैं, सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे और ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। जब रिटायरमेंट होगा तब भी वही बात, पुराना बैलेंस शीट से हम लोग कैपिटल लेंगे, पुराना बैलेंस शीट से रिजर्व लेंगे। ये दो चीज हो गया, हुआ ना। फिर तीसरा हम लोग क्या लेंगे रिटायरमेंट में, रिटायरमेंट में देखेंगे एक पार्टनर जा रहा है, सेकंड तो हम लोग ठीक है रिवैल्यूएशन का अगर बोल रहा है प्रॉफिट लॉस तो बना के ले लेंगे। साथ ही साथ जब एक पार्टनर जा रहा है, जब आ रहा था तो गुडविल का वैल्यूएशन हो रहा था, जा रहा है तो फिर गुडविल का वैल्यूएशन होगा और उसको प्रोपोर्शनेट गुडविल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ डेथ में और भी कुछ होता है, ठीक है। आपने बोला कि पहला कैपिटल होगा, वेल पुराना बैलेंस शीट से कैपिटल लेंगे,
रिजर्व लेंगे, चलो वो भी ठीक है। हड अगर रिवेल्युएशन वहां पर बोला है तो रिवेल्युएशन का प्रॉफिट और लॉस लेंगे, तीन हो गया। और बताइए, अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे। इसके बाद भी और भी कुछ हैं, शेयर ऑफ प्रोपोर्शनेट, मान लीजिए कि डेथ जो हुआ मार्च में बंद हो रहा था बुक, और पूरा अप्रैल काम किया, पूरा मई काम किया, एक जून को डेथ हो रहा है, तो साथ में कितना महीना काम किया, तो दो महीने का प्रोपोर्शनेट जो मेरा प्रॉफिट होगा उसको लेंगे। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट के लिए आपको बेस दे देता है, वो हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी किसको बोलते हैं, जब भी पार्टनरशिप में ज्वाइंट में अगर ए बी सी तीनों ने मिलकर एक पॉलिसी लिया था, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जिस पार्टनर का डेथ हुआ है उसके पूरे पॉलिसी वैल्यू को लेंगे, जो पॉलिसी वैल्यू है पूरा लेंगे, और जिसका डेथ नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रहेगा ना, एक पार्टनर का डेथ होने से ही आप देखेंगे कि तुरंत वो पॉलिसी बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, और फिर उसका क्लेम किया जाता है। तो जिस पार्टनर का डेथ हुआ है अगर सम एश्योर्ड 1 लाख था तो पूरे 1 लाख रुपया आपको मिलेंगे। इसको समझिए, सिर्फ आपको बाकी चीज नहीं समझना है, बाकी चीज बहुत ही आसान है। कैपिटल अलग से लिखा हुआ रहेगा, नहीं ले सकेंगे। रिजर्व, उसके जो शेयर होंगे उसको मिल जाएगा। तो इस तरह से उसमें कोई खास बात नहीं है। आपको क्या सीखना है बोलिए, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में आपको जानना है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, मान लीजिए ए बी और सी ने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिया था, कितना करके, तो 1 लाख करके। टोटल पॉलिसी कितने का था, अभी मान लो ए का डेथ हो गया, तो ए का अगर डेथ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी से पूरा ये 1 लाख मिलेगा। और जो सिलेंडर वैल्यू है, मतलब उस दिन का, मान लीजिए बी का अगर 50,000 निकला और इसका भी अगर 50,000 निकला, तो हम लोग वो दिया रहेगा, तो 1 लाख के साथ हम लोग क्या करेंगे, ये 50,000 को जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे, तो टोटल कितना हो गया, ये 2 लाख जिस रेशियो में रहेगा उस रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको बांट देंगे। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में खास कुछ बात नहीं है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में आपको दोनों चीज दिया रहेगा, पॉलिसी का वैल्यू दिया रहेगा और साथ ही साथ सिलेंडर वैल्यू दिया रहेगा जहां पर स्टॉप हो गया। जो पार्टनर का डेथ हुआ है उसका पूरा का पूरा लीजिएगा, बाकी का क्या लेंगे आप, सिलेंडर वैल्यू, जिसको एस भी बोला जाता है, एस भी। ठीक है, सबसे पहले लिखिए कि अगर डेथ होगा तो एक पार्टनर को क्या क्या मिलेगा, उसको लिख लीजिए, जो बात अभी हम लोग किए ये मिटा देना। हम लोग एक बार इस चैप्टर्स को देख चुके हैं और इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर द एक्सक्यूटर विल रिसीव द फॉलोइंग। पहला, एक एक करके बताइए, अगर किसी को पता है तो बताइए, कैपिटल, कैपिटल ऑफ डेथ पार्टनर, दूसरा शेयर, शेयर ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, नेक्स्ट रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, नेक्स्ट
अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ एनी अगर बोला है तो, नहीं बोला है तो हम लोग नहीं लेंगे। नेक्स्ट बोलो, शेयर ऑफ गुडविल। अब शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का जो वैल्यूएशन करना है उसका एक अलग चैप्टर है, पार्टनरशिप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो कि हम आपको दो बार करवा चुके हैं, तो उम्मीद है कि आपके पास इसको याद होगा, और अगर नहीं होगा तो शेयर ऑफ गुडविल का जब हम वीडियो आपको लोड करेंगे वहां पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ याद है? प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट, और लास्ट बोलिए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का, शेयर ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। शेयर ऑफ ज्वाइंट लाइफ, ये टोटल सेवन, ये टोटल जो सेवन है वो एक एक्सक्यूटर को मैक्सिमम मिल सकता है, बट अगर एक सम्स में सारा कुछ नहीं रहे तो जितना रहेगा वही मिलेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सा है बोलिए तो, बोलो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट। क्यों प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट? ये देखो, कैपिटल सारे पार्टनर का दिया हुआ रहता है, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। रिजर्व इकट्ठा दिया रहता है, और अगर मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर था 3:2:1 में, और अगर ए का डेथ हो रहा है तो 3:6 ले लेंगे, तो यहां भी तो कोई दिक्कत नहीं है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, अरे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप पहली बार थोड़ू ना बना रहे हैं, आप तो ऑलरेडी इसका एक अलग चैप्टर भी है वहां भी बनाए हैं, एडमिशन में बनाए हैं, साथ ही साथ रिटायरमेंट में बनाएंगे, तो रिवैल्यूएशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ एनी, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल दिया हुआ है, परसेंटेज दिया रहेगा, आपको खाली निकालना है। गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन के लिए एक चैप्टर ही है, बोल देगा 3 साल का प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कर देंगे, और अगर गुडविल बोल दिया 2 ईयर्स परचेज तो 2 से 3 ईयर परचेज बोलेगा तो 3 से, बहुत बड़ा बात यहां पर भी नहीं है। बट प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट जो निकाला जाता है वो आपको जो बेस बोलेगा, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट के लिए हम लोग को क्या ध्यान रखना है, बेस। तो लिखिए बेस विल बी गिवन। बेस क्या है तो आपको बता देगा कि जो पिछले साल का 2 साल का प्रॉफिट, कि 3 साल का प्रॉफिट, कि सिर्फ 1 साल का प्रॉफिट। अब मान लीजिए कि पिछले साल का प्रॉफिट 1 लाख है, और एक पार्टनर का डेथ मार्च में बंद हुआ, अप्रैल में काम किया, मई में काम किया, 2 महीना काम किया, और अगर बेस हमको बता दिया कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, तो 1 लाख रुपया पूरे 1 साल का प्रॉफिट है, साथ में कितना दिन काम किया, 2 महीना, तो 1 लाख रुपए का पहले 2/12 करेंगे, आ गया 2 महीने का प्रॉफिट। जो भी 2 महीने का प्रॉफिट आ गया, अच्छा से और समझने के लिए मान लीजिए 1,20,000, तो 1,20,000 कितने दिनों का हुआ, 1 साल का 12 महीने का, 2 महीने का कितना हुआ 20,000, तो 20,000 तो तीनों का प्रॉफिट हुआ ना। अब उसमें से अगर ए का प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट लेंगे, प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, तो 3/6 हो गया, ठीक है ना।